2018 मध्ये झालेल्या तीन युवक युवतींच्या हत्येची चौकशी न झाल्याने नातेवाईकांनी नालासोपारा पूर्व तुळीज पोलीस स्टेशन हद्दीत आमरण उपोषण सुरू केले आहे व जोपर्यंत मृत मुलांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार नातेवाईकांनी केला आहे। किरण गुप्ता, आशुतोष सिंग, नेन्ना जयस्वाल अशी मृतांची नावे आहेत। सदर युवक युवतींची हत्या नसून आत्महत्या असल्याची पोलीस स्टेशनला नोंद आहे। या विरोधात तिन्ही मुलांच्या नातेवाईकांनी एल्गार पुकारून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे। तसेच चौकशीत दिरंगाई करणारे संबंधित पोलीस प्रशासनास निलंबित करावे आणि या घटनेची सीबीआय चौकशी व्हावी आणि या तीनही मुलांना न्याय द्यावा अशी मागणी नातेवाईकांनी केली आहे। प्रतिनिधी साधना काळोखे, नाला सोपारा। जी नमस्कार, मैं आशुतोष सिंह रघुवंशी की बड़ी बहन हूँ। मेरे भाई का हत्याकांड 2019 का है और पूरे एक साल तक चारों आरोपी बाहर थे और जिसकी वजह ना ये ही आईओ दीपक गिरकर जी, जिन्होंने पूरी तरह से केस में लिपापोती किया और इनको इंटरिम ग्रांट करने में मदद किया। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुआ और उनको चांस मिला और अब बाहर निकल के जो उनको करना था, क्योंकि बाहर जब आरोपी बाहर रहते तो उनको मदद मिलता सबूतों को मिटाने का, सबूतों को खराब कर लिए और उन्होंने वो काम किया। बट हमें न्याय प्रणाली से बहुत उम्मीद थी और न्याय प्रणाली ने अच्छा डिसीजन लिया, उनके बेल को खारिज किया। 3 महीने उन्होंने जेल में रहे, हम बाहर आए, लेकिन 1 साल हमें पूरी मानसिक प्रताड़ना मिली और मानसिक प्रताड़ना जिन चारों की वजह से मिली उसका वजह भी दीपक गिरकर जी है। और तीसरा के जैसा कि नैना जायसवाल का, उनके केस में भी वही आईओ थे और मैं चाहती हूँ कि इसका स्ट्रिक्ट हम पूरा फैमिली प्लस अरुण श्रीवास्तव जी जो इस मुद्दे को लेके बैठे हैं और कुछ संस्था वाले भी हैं जो इस मुद्दे को लेके बैठे हैं, आप देख सकते हैं। मैं चाहती हूँ, ऐसे कुछ संस्था नहीं है, यहाँ के नालासोपारा विरार बसे के हर एक संस्था, हर एक आम आदमी बैठे जिसको तकलीफ। मेरा मुद्दा यही है कि हम सब चाहिए जब यूनिटी होगी ना तो कोई किसी को तोड़ आ जाएंगे, धीरे धीरे लोग आ जाएंगे। और ये चंद एक एपीआई दीपक गिरकर नहीं, कहीं पे गलत हो रहा है ना तो हम आवाज उठाए, बराबर, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र का देश, हम गवर्नमेंट बनाते, गवर्नमेंट हमको नहीं बनाते। आज हम एक होंगे तब जाके कुछ हो सकता है। तो हम चाहते कि इनको सस्पेंड किया जाए और इन पे कानूनी कार्रवाई, यही हमारी मांग है। नमस्कार, मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव। तीन आरोपी, तीनों के आरोपी हैं एपीआई दीपक गिरकर, इसलिए तीनों के आरोपी होने के नाते उनको सस्पेंड किया जाए। अगर कोई आम आदमी अगर कोई गुनाह करता है तो उसको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन एपीआई दीपक गिरकर के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई? 2018 में एक केस पर लिपापोती, 2019 में एक केस पर लिपापोती, 2020 में 376 की पीड़ित लड़की नैना जायसवाल, नैना जायसवाल जिंदा थी, ना कि मर गई। अगर वो जिंदा थी तो उसको मरने कैसे दिया गया? क्योंकि मरने इसलिए दिया गया कि एपीआई दीपक गिरकर ने ऐसा काम किया जिसके वजह से वो मर गई। आज एपीआई दीपक गिरकर ने जो किया है उसका यही दंड एक ही है, उसको निलंबित किया जाए, उसको निलंबित किया जाए, बस उसके अलावा और कोई मांग भाई। इसलिए अभी हम चाहते हैं कि एपीआई दीपक गिरकर निलंबित हो और बाकी केसों में जो है वो अच्छे तरह से उस पर जाँच हो और कार्रवाई होना। आपको इसमें 30 साल से लगातार मतलब कोशिश की आपने इसके लिए? जी, मैं 2018 में मेरे पास केस आया था किरण लालन गुप्ता का, 2019 में आया आशुतोष सिंह रघुवंशी का, 2019 केस था 2019 का, और 2020 में नैना जायसवाल का। नैना जायसवाल केस में मैं शुरू से लेकर लास्ट तक था। नैना जायसवाल केस में जो लड़की एक लड़के के साथ प्यार करती थी उसके साथ भग गई, तो उसको ढूंढने का काम मैंने किया था 8-9 दिन के बाद, ढूंढ के लेके आया मैंने। उसके बाद ये अपना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया, पुलिस कार्रवाई न करके सिर्फ लिपापोती किया। बाद जब हमने FIR के लिए प्रेशर डाला DCP विजयकांत सागर जी के पास, तब जाकर के FIR दाखिल हुआ। FIR दाखिल होने के बाद कार्रवाई के नाम पे लिपापोती करने के लिए एपीआई दीपक गिरकर सामने आए और लड़की को और लड़की के माँ को, दोनों को टॉर्चर किया गया, दोनों के साथ में उल्टे सवाल किए गए। क्योंकि एक 376 के पीड़ित के साथ में कोई महिला कांस्टेबल होनी चाहिए था या महिला आए होनी चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसमें एपीआई दीपक गिरकर ने उल्टा सवाल
जब अब क्या गलत बातें करता था, इसके लिए हम चाहते हैं कि एपीआई दीपक गिरकर सस्पेंड हो, क्योंकि उसकी वजह से नैना सुभाष जायसवाल अन्य आत्महत्या कर ली है। तो हम चाहते हैं कि ये नैना सुभाष जायसवाल के केस में और एक किरण लल्ला गुप्ता के केस में, आशुतोष रघुवंशी के केस में, तीनों केस के आरोपी बनते हैं एपीआई दीपक गिरकर, पिछले एपीआई दीपक गिरकर को सस्पेंड किया जाए। धन्यवाद। पावर ऑफ स्पीच का संस्थापक और जो अमर अनशन पावर ऑफ स्पीच के नेतृत्व में किया जा रहा है, क्योंकि अरुण श्रीवास्तव जी अपने नेतृत्व में हो रहा है और अरुण श्रीवास्तव जी उनकी पावर ऑफ स्पीच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इस वजह से मैं अरुण भैया के सहयोग में पूरी टीम को लेकर यहाँ पर उपस्थित हूँ और जब तक भैया जी को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक किसी को परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं भैया का साथ दूंगा और किसी प्रकार पूरी हिम्मत हमारी टीम के साथ में रहेगी।